आरआरबी रेलवे एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के अंतर्गत 35,000 प्लस पदों के लिए आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए अभी अभी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड के संदर्भ में बिग ऑफिशियल अपडेट जारी हुई है, जिसकी वजह से एनटीपीसी अभ्यर्थी चिंतित हुई है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते देख लेते पूरी जानकारी। उसके पहले अगर आप आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट बुक अवेलेबल हो चुकी है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप बुक को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें जी। या दोस्तों रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट के बारे में बहुत बड़ी अपडेट जारी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2019 आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम लेटेस्ट न्यूज नो डिसीजन ऑन प्राइवेट एजेंसी एजेट जिया 15 नवंबर 2019 की लेटेस्ट अपडेट है। और दोस्तों इस लेटेस्ट अपडेट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि जो आरआरबी की एनटीपीसी और उसके साथ ही साथ आरआरसी की ग्रुप डी एग्जाम होनी है, जिसके लिए जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी है जिसका चयन अभी तक होना बाकी है, यानी अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी की एग्जाम कौन देगा। तो दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी का चयन होने में अभी भी 1 महीने का समय लग सकता है जी हाँ दोस्तों। तो यहाँ पर बताया गया है कि आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम फरवरी 2019 में आयोजित कराई जाएगी। यहाँ पर आप साफ साफ पढ़ सकते हो जी हाँ दोस्तों, वंस द डेट इज अनाउंस्ड द आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड विल बी रिलीज और फरवरी 2020 में एडमिट कार्ड जारी होने की बात की जा रही है। तो दोस्तों सबसे बड़ा झटका यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी फॉर्म भरने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए है जी हाँ दोस्तों। यहाँ पर टेंटेटिव डेट बताई गई है कि आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम जनवरी के एंड में या फरवरी में स्टार्ट होगी। तो दोस्तों बहुत बड़ा झटका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से आया है और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑफिशियल अपडेट ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जहां से आप विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। यानी अभी भी आपके एग्जाम में 3 से 4 महीने का समय बचा है जी हाँ दोस्तों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आरआरबी एनटीपीसी उसके साथ ही साथ आरआरसी ग्रुप डी का एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर पाओगे कि आपका फॉर्म एक्सेप्टेड किया गया है या रिजेक्टेड हुआ है, और जिसका फॉर्म एक्सेप्टेड किया गया उन्हीं का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अभी चेक करें, साथ ही साथ एग्जाम डेट के बारे में ऑफिशियल अपडेट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देखना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें।